ज़हूर मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आपको हासिल होती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने कॉन्टेक्ट में शेयर करें। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى اهل بيته الاطيبين الاطهرين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله। आज आपकी खिदमत में इस हफ़्ते का पहला दर्स है और ये हमारा इस महीने का दूसरा हफ़्ता है और हमारा दूसरा हफ़्ता होता है नहजुल बलागा से मुतालिक। और नहजुल बलागा में हमारा मौसू है कलिमात क़िसार, यानी नहजुल बलागा के तीसरे हिस्से के वो जुमले के जिनमें मौलाए कायनात ने छोटे छोटे जुमलों के ज़रिए से बहुत बड़ी और अहम बातें बताई हैं और अपने चाहने वालों तक ज़रूरी पैगामात को पहुंचाना चाहा है कि एक चाहने वाले के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक बार इन कलिमात को पढ़े, समझे और इन पर अमल करे। क्योंकि ये उस इमाम की बात है कि जिसका लक़ब अमीरुल मोमिनीन है, जो मोमिनों का अमीर है। लिहाजा बड़ी अहम बातें इन कलिमात क़िसार के ज़रिए से मौला अली अलैहिस्सलाम ने बताई है। आमादगी ज़हूर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से 20 कलिमात क़िसार अब तक आपकी खिदमत में तशरीह के साथ में पेश किए जा चुके और आज हिकमत नंबर 21 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। हिकमत नंबर 21 में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लना हक्कुन फ़इन उतीनाहु व इल्ला रकिबना अजाज़ल इबल व इन तालसुरा। बड़ा अहम पैगाम और एक अहम बात। अगर हम वक्त देखें तो ज़ाहिर ये होता है इस जुमले से कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह जुमला उस वक्त इरशाद फरमाया कि जब मौला अली की खिलाफत को गस्ब किया गया, अय्याम सकीफ़ा के दिनों में यह जुमला इरशाद फरमाया। लिहाजा ये वक्त बताता है कि यह जुमला कितना अहम है। इस जुमले की गहराई को देखें। लना हक्कुन, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा हक है उम्मत पर। फ़इन उतीना, अगर वो हक उम्मत ने हमें दे दिया तो ठीक है, अगर वो हक हमें दे दिया तो हमें हकदारों को हक मिल जाएगा। व इल्ला रकबना अजाज़ल इबल, लेकिन अगर हमें वो हक नहीं मिला तो हम उन असीरों की तरह हो जाएंगे, उन असीरों की तरह रहेंगे कि जो ऊँट के पीछे पीछे चलते हैं, जो ऊँट के पीछे पीछे जो काफ़िला ले जाया जाता है तो असीर जिस तरीके से ऊँटों के पीछे पीछे चलते हैं हम बिल्कुल उसी तरह हो जाएंगे। व इन तालसुरा, चाहे इस सफ़र में जो है ज़माना गुज़र जाए, इस सफ़र में चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुज़र जाए। सैयद रज़ी फरमाते हैं कि ये जुमला नहजुल बलागा के उन जुमलों में से है कि जिसे समझने के लिए जो है इंसान को बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। ये फ़सीह व बलीग जुमला है, फ़सीह व बलीग जुमला, यानी बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करनी पड़ेगी तब इंसान को इस जुमले का असल मकसद समझ आएगा। ये जुमले में सबसे पहले मौला फरमाते हैं लना हक्कुन, हमारा हक है, हमारे कुछ हक है, हमारा एक हक है उम्मत के ऊपर। इमाम अलैहिस्सलाम जानशीन रसूल हैं, वक्त के इमाम हैं, वली परवरदिगार हैं, हुज्जत खुदा हैं ज़मीन पर। इतनी फजीलत है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, तो क्या इस अली का उम्मत पर कोई हक ना होगा? इसी अली को उम्मत यूं ही छोड़ दे, यूं ही तन्हा रहने दे, इस अली की यह हालत हो जाए कि कोई सलाम करने वाला ना हो? ये वो हुज्जत परवरदिगार है, ये वो अली है कि गदीर खुम में जिसके लिए अय्याम ईद गदीर करीब हैं, गदीर खुम में जिसके लिए कहा गया मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। क्या तारीख भूल गए लोग? इमाम अलैहिस्सलाम के हुकूक के बारे में
रिवायतों से अगर हम नतीजा निकालें तो इमाम के उम्मत के ऊपर चार हक होते हैं। पहला हक कि उम्मत वालों को चाहिए कि इमाम के मकाम को पहचाने, यानी इमाम की मंजिलत को समझे, इमाम के मकाम को समझें। हमारे ऊपर सबसे पहला हक ये है कि हम समझें कि इमाम का मकाम क्या है, मंजिलत क्या है, वो खुदा की जानिब से हमारी हिदायत के लिए आए हैं। ये पहला हक है। दूसरा हक ये है कि इमाम के सामने, इमाम की गुफ्तार के, इमाम के किरदार के सामने हम तस्लीम हो जाएं। दूसरा उम्मत पर क्या हक है? हम तस्लीम हो जाएं इमाम के किरदार के सामने, इमाम के गुफ्तार के सामने, इमाम के अल्फाज के सामने। तस्लीम होने का मतलब क्या है? कबूल करें हम, वरना इमाम के हक़ को अदा नहीं किया। इमाम ने अगर हमसे कुछ कहा है, ऐ मेरे शियो ऐसे रहना, ऐ मेरे चाहने वालों ऐसे रहना, ऐ मेरी उम्मतियों ऐसे रहना, तो फिर वो हम पर वाजिब है इमाम के हक़ के तौर पर कि हम तस्लीम करें इमाम के अल्फाज को भी, इमाम के किरदार को भी। और जब भी इख्तलाफ हो तो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करें, ना कि इख्तलाफ में गैरों की तरफ रुजू करें। ये दूसरा हक। तीसरा हक, इमाम की बेअत में वफादार रहें। बेअत करें इमाम के साथ में तो वफादारी भी करें, दरमियान में इमाम को छोड़ कर ना जाएं, दुनिया के लिए, कभी लालच के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए इस बेअत को ना तोड़ें, इमाम का साथ ना छोड़ें। ये तीसरा हक। और चौथा हक, इमाम के हुजूर में और इमाम की गैबत में, दोनों तरीक़ों से, चाहे इमाम ज़ाहिर हो या इमाम पर्दे गैब में हो, दोनों तरीक़ों से इमाम का खैर ख्वाह रहे और जब भी ज़रूरत पड़े इमाम की आवाज़ पर लबैक कहे। ये चार हक रिवायतों के ज़रिए से बयान होते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के तमाम मुसलमानों पर ये चार हक हैं। और इस जुमले में मौला क्या फरमा रहे? लना हक्कुन, हमारा हक है। अगर वो हक हमें दिया गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो हम उन असीरों की तरह ऊँटों के पीछे चलेंगे कि जैसे वो असीर चला करते हैं। असीर ऊँटों के पीछे एक तशबीह है ये, कि मसलन जैसे ऊँट काफ़िलों को ले जाया जाता है असीरों के, और ऊँटों के पीछे पीछे ही काफ़िले चलते हैं, उसी तरीके से हम इनके पीछे पीछे रहेंगे जब तक के हमारा हक हमें वापस ना मिल जाए। चाहे ज़माना गुजर जाए, लेकिन हम इन्हीं असीरों की, जैसे वो असीर चलते हैं ऊँटों के पीछे पीछे, बिल्कुल ऐसे ही इनके पीछे रहेंगे। अब इसकी तफसीर, इस जुमले की तफसीर जो है बड़ी अहम है, उलमा ने इसकी तफसीर की है। पहली तफसीर तो ये की है कि शायद इस जुमले से ये मुराद है कि मौला ये फरमाना चाहते हैं कि अगर हमारा हक हमसे छीन लिया गया तो ये गासिबीन, ये ज़ालिमीन हमें ज़लील ख़्वार कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ज़लील कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से बेइज्जत कर देंगे कि जैसे ऊँटों के पीछे असीरों को ले जाया जाता है बेइज्जत करके। अलबत्ता कोई इस जुमले से ये मुराद ना ले कि कोई हकीकी तौर पर इमाम को इज़्ज़त या ज़िल्लत दे सकता है, इज़्ज़त या ज़िल्लत खुदा के हाथ में है, लेकिन अगर ज़ाहरी तौर पर देखा जाए तो हर काम वो किया गया कि ज़माने में इमाम को जो है, इमाम की इज़्ज़त को कम किया जाए। वगरना ये शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद शाम में शहादत की ख़बर पहुँचना और शाम में लोगों का शहादत की ख़बर को सुनकर ये कहना कि अली मस्जिद में शहीद हुए, क्या अली नमाज पढ़ते थे? यहाँ सोचने का मकाम है कि अली के किरदार को किस तरीके से पेश किया गया था लोगों के सामने। वाकई ये पहला एहतमाल हो सकता है कि मौला ने ये जुमला कहा कि अगर हमसे हमारा हक छीना गया तो ये लोग हमें जो है जलील और जलील ख्वार कर देंगे, ज़माने के सामने हमें रुसवा करेंगे। ये पहला हक है। दूसरा हक ये भी है कि अगर हमसे हमारा हक छीन लिया गया तो हम एक अजीम मुसीबत में ये उम्मत गिरफ्तार हो जाएगी। और तीसरा हक, वो तीसरे तफसीर और तीसरा एहतमाल जो इस जुमले का ये है कि अगर हमारा हक हमसे छीन लिया गया तो एक तूलानी मुद्दत के लिए हम
सब्र करेंगे मगर हक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और उस वक्त तक इनके पीछे रहेंगे कि जब तक हमारा हक हमें वापस ना मिल जाए। ये तीन अहतमाल दिए गए हैं। अलबत्ता और भी उलमा के इस पर नज़रियात हैं और जिन पर बात करने के लिए फ़िलहाल वक्त नहीं है। इंशाल्लाह कभी फिर इस जुमले पर गुफ्तगू की जाएगी। मौला बताना ये चाहते हैं कि अगर हमारा हक हमें वापस ना दिया गया तो ज़माना हमें रुसवा करेगा, ज़माना हमें सताएगा, ज़माना हमें परेशान करेगा। और हकीकत यही हुई, इमाम से इमाम का हक गस्ब किया गया। नतीजा क्या हुआ? ज़माने ने इमाम को बड़ा सताया, बड़ा रुलाया, कभी शिकस्ता पहलू के ज़रिए से रुलाया, कभी मस्जिद में शहीद किया गया, कभी करबला में बुलाकर धोखे से शहीद किया गया, नरगाए आदा में घेरा गया, बच्चों को असीर किया गया, औरतों को बेमकनाओ चादर शामो कूफा के बाज़ारों में फिराया गया। यही मौला पहले ही बताना चाह रहे थे कि अगर हमारा हक हमें ना दिया गया तो हमारे साथ ये लोग ऐसा भी बर्ताव करेंगे, ऐसा भी रवैया हमारे साथ इख्तियार किया जाएगा। मगर लोगों ने इमाम की बात नहीं सुनी और हक इमाम का इमाम को नहीं दिया गया। लेकिन ये हकीकत है कि हक को दबाया जा सकता है, हक को छुपाया नहीं जा सकता, हक को छुपाया नहीं जा सकता। हक खुद ही चलकर आता है उसके पास के जिसका हक होता है। और इंशाल्लाह जब इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएंगे तो ये खिलाफत खुद चलकर इमाम की खिदमत में जाएगी और उस वक्त ये हक जो होगा हकदार तक पहुँचेगा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की हिकमत नंबर 21 की जो है मुख्तसर तफसीर और तशरीह थी। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हिकमत नंबर 22 को पेश किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।